गोल्डन रनवे की लाइट लगा ली। यस गोल्डन रनवे। कोई चोरी कर। मोस्ट ऑफ यू आर फैन बॉय ऑफ BMW 310 GS, तो आप लोगों को पता ही होगा कि BMW 310 GS का एक नया वर्जन लॉन्च हुआ है, एक अपडेटेड वर्जन लॉन्च हुआ है BMW 310 GS का, और वो ऑफिशियली जयपुर में भी लॉन्च हो चुका है आज। जो कल के व्लॉग में मैंने स्लीपिंग बैग की दुकान दिखाई थी ना, वो ये थी यहाँ पे। ये क्वींस रोड है और भैया बिना हेलमेट हैं ले जा रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली अभी वहाँ पे टेस्टेड अवेलेबल नहीं हो पाएगी, तो व्हाट आई विल डू इज़ कि आप लोगों को मैं ओल्ड वर्जन और जो अपडेटेड वर्जन है उसका साइड टू साइड एक प्रोफाइल दिखा देता हूँ कि वो बाइक कैसे लग रही है, और आप लोग मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हो। अभी चलते हैं अपन BMW के शोरूम पे, वो है वैशाली नगर में, जस्ट आधा किलोमीटर बाद मैं पहुँच जाऊँगा। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम पर शायद एक या डेढ़ वीक बाद अपन राइड पर निकल जाएंगे। तो आज ये बाइक लॉन्च हुई थी, मेरे पास सुबह भी इनविटेशन पहले ही आ गया था कि आपको आना है 11 बजे अराउंड, लेकिन मैं कुछ काम में बिजी था। मैंने सोचा कि जब भीड़ कम हो जाएगी उसके बाद ही मैं बाइक दिखाने जाऊंगा। अरे रोहिला भैया कहाँ भाग रहे हैं? मेरा आ जाओ, निकल गया था आपके चक्कर से, भाग के आया हूँ मैं आपके। भाग रहे हो रोहिला भैया, शर्म नहीं आ रही आपको? रोहिला भैया नहीं हूँ, शोहित भैया हूँ मैं। रोहिलो क्या कहा है? रोहिलिया भैया गायब हो गया, मुझे क्या पता। आप रोहिला भैया भाग गए घर पे? रोहिला भैया जैसा लग रहा हूँ मैं, इतना मोटा हो गया मैं। नहीं नहीं मैं बाइक देख के रोका, मैंने मोटा देख के नहीं, मैं कंफ्यूज था कि मैंने रोहिला भैया अच्छा। हाय लोकेश, सो दिस इज़ BMW 310R ओल्ड वर्जन। जब ये बाइक आई थी ना, काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट किया था इस बाइक ने, तो ये 310R का ओल्ड वर्जन है और ये रेड कलर में है। रेड कलर काफ़ी अट्रैक्ट किया था लोगों को जब ये बाइक आई थी, उसके उस टाइम पे जब ये बाइक आई थी उस टाइम पे इसमें मिशलिन ऑफर किए गए। आज नई वाली बाइक में देखते हैं कौन से टायर ऑफर किए गए। जब ये बाइक आई थी तो स्टूडेंट्स को काफ़ी अट्रैक्ट किया था इस बाइक ने, क्योंकि इसको आप ईजिली कम्यूट डेली कम्यूट करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पाँव भी दोनों आ रहे हैं, जैसे मेरी हाइट है 5'9". तो ये जो प्रोफाइल था ये था ओल्ड वर्जन का, अभी मैं आपको दिखाता हूँ न्यू वर्जन का प्रोफाइल। In 3, 2, 1. ओके, सो दिस इज़ द न्यू वर्जन ऑफ BMW 310R. ट्रस्ट मी गाइस, जो यहाँ पे ग्लॉस दिख रहा है ना, मतलब कि यू वॉन्ट बिलीव कि इस बाइक में उस बाइक में एक बारी के लिए ना कोई ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा जब एक फर्स्ट लुक में देखते हो आप। उसी के साथ साथ इसके अंदर भी मिशलिन टायर ऑफर किए गए हैं, विच इज़ स्ट्रीट पायलट। सो बेसिकली क्या है, इस बाइक के अंदर ना कॉस्मेटिक चेंज कर दिए गए हैं, जैसे कि ये फ्रेम था इसको रेड कर दिया गया है, इसके अंदर ये वाला कलर डाल दिया गया है। अभी दो कलर्स अवेलेबल होने वाले हैं इस बाइक के अंदर, और देखते हैं दूसरा कलर कब आता है। और इसकी जो हेडलाइट है वो काफ़ी अमेजिंग कर दी गई है, LED कर दिया गया है इसको। और इसी के साथ साथ यहाँ पे हाई बीम लो बीम का भी आपको फंक्शन मिल जाएगा। हाई बीम लो बीम का आप लोगों को जो फंक्शन मिलेगा वो आप लोगों को इस LED बार के अंदर भी मिलेगा। तो और एग्जॉस्ट की मैं बात करूँ तो एग्जॉस्ट अभी तक सेम है भैया, इसको देखो ग्लॉस पूरा, और यहाँ पे इसका कुछ मैट का डिज़ाइन दिया गया। सो ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो इतना खास लगा नहीं मेरे को, जैसा पहले था वैसा ही लग रहा है। ओके, तो थोड़ा सा ना इन्हेंस कर दिया गया, अलॉय को देखो पेंट कर दिया गया। बाकी देखते हैं इसका जो दूसरा वाला कलर आएगा वो देखते हैं कब तक आता है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ BMW 310 GS, जो कि एक एडवेंचर बाइक है। इन 3, 2, 1. सो दिस इज़ BMW 310 GS ओल्ड वर्जन। यहाँ पे देख लो इसकी बीक है। बेसिकली ये बाइक उन लोगों को काफ़ी पसंद आती है जो लॉन्ग ट्रिप्स करते हैं, थोड़ा सा ऑफ रोड करते हैं। और उसी के साथ साथ ना इस बाइक की हाइट भी काफ़ी अच्छी थी, ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा था। ओके, तो मैं बैठ के दिखा देता हूँ आपको। सो अभी मेरा थोड़ा टिपटो आ रहा है। और इस बाइक की अगर मैं बात करूँ तो इस बाइक की सबसे अच्छी बात है कि इसके सस्पेंशन, मतलब कि BMW की कोई से भी बाइक ले लो आप, सारी बाइक्स के आप लोगों को सस्पेंशन काफ़ी स्मूथ मिलेंगे, काफ़ी स्मूथ। ओल्ड बाइक का लुक कैसे लग रही है अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, नई बाइक का लुक, और आपको पसंद आ जाएगा। तो इन 3, 2, 1. सो दिस इज़ द न्यू वर्जन ऑफ BMW 310 GS, और इसको भी देख लो आप, काफ़ी कॉस्मेटिक चेंजेस कर दिए गए, जैसे कि इसका फ्रेम है इसको रेड कर दिया गया है, इसका जो टैंक है ये नया वाला कलर आया हुआ है इसको ब्लू कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है 310 GS, यहाँ पे BMW का लोगो है। बट अगर आप फ्रंट से इस बाइक को देखोगे ना तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी सेम फंक्शन दिया गया है जो 310R के अंदर दिया गया है, यहीं पर आप लोगों को एक LED बार दिख जाए। हाई और लो बीम करोगे तो इसके LED पे भी हाई लो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टायर। टायर वही दिए गए मेडलर,
रियर और फ्रंट हाइट वगैरह सब कुछ सेम है, पावर वगैरह सब कुछ सेम है। जो बेसिक जो चेंजेस किए गए इन दोनों बाइक्स के अंदर वो किया गया है कॉस्मेटिक चेंजर, और उसी के साथ साथ ना शायद इसकी थोड़ी प्राइस भी कम कर दी गई। इस वाली जो बाइक का प्राइस हुआ है अभी जयपुर के अंदर वो है एक्स शोरूम 2.85, और उस वाली बाइक का जो प्राइस अभी जो एक्स शोरूम रखा गया है जयपुर के अंदर वो है 2.45। तो ये देखो बाइक तो नो डाउट काफ़ी अच्छा है इसके अंदर, बट अगर आप लोग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखोगे तो वो भी थोड़ा सा सेम है, इतना कुछ ज़्यादा बड़ा चेंजेस किया नहीं गया अभी तक। पूरा इसका सब कुछ सेम है, एग्जॉस्ट नट सेम है, एग्जॉस्ट सेम है, वेट सेम है, बाइक का पावर सेम है, अलॉय सेम है, बट कॉस्मेटिक चेंजेस बहुत सारे किए गए इस बाइक में। लेट्स सी आप लोगों को ये बाइक कितनी पसंद आती है। अब बाकी आप लोगों को ये बाइक चाहिए, आप लोगों को क्वेरी करनी है, तो आप BMW मोटर यार्ड यहाँ पे वैशाली नगर पे आ सकते हो। तो ये वीडियो मैंने जैसे एक वॉक अराउंड वीडियो रखा है, क्योंकि इस बाइक आई थॉट कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि कई सारे लोगों को BMW 310 GS और 310R पसंद है। तो अभी आपको मैं मिलता हूँ मेरी बाइक पे। ओके, तो ये है रोहिला भैया, क्योंकि जब वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था ना मैंने किसी और को पकड़ लिया था, मैंने सोचा वो रोहिला भैया है, लेकिन असली रोहिला भैया यहाँ पे है, देख लो। हाँ राइट लाइट लगवाई है गोल्डन रनवे की। तो देखो बाइक की बात ऐसी है, बाइक बहुत अच्छी है। अभी जो कंपनी ने ना रेट्स भी कम कर दिए हैं इस बाइक के BMW 310 GS और 310R के, बट आई एम नॉट श्योर कि इसके अंदर स्विचेबल ABS दिया है या नहीं दिया। इसके अंदर राइड बाय वायर मिल जाएगा आप लोगों को, स्लीपर क्लच मिल जाएगा, LED लाइट मिल जाएगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज करी और उसके साथ साथ ने प्राइस भी कम किया है। यार अगर आप बाइक लेने का प्लान कर रहे हो ना कोई से भी, तो एक बार टेस्ट राइड जरूर ले लेना। मोस्ट प्रोबेबली 10 या 5 दिन के अंदर यहाँ पे टेस्ट राइड व्हीकल अवेलेबल हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर टाइम मिला तो मैं भी आप लोगों के लिए एक टेस्ट राइड वीडियो डाल दूंगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं हेलमेट पॉइंट, और रोहिला भी ऐसे भी थोड़ा सा ओपिनियन लेंगे कि उनको कैसी लगी बाइक और उनका क्या कहना है BMW 310R के बारे में। अब थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है इन राइडिंग बूट्स में। ये तो बबलू है, गोल्डन रनवे की लाइट लगा ली। यस, गोल्डन रनवे। और कोई चोरी कर लिया तो घर के अंदर खड़ी करूंगा। तो भाई आपने बाइक की डिलीवरी पे केक कटते हुए देखा होगा, आज है ना हेलमेट की डिलीवरी पे केक कट रहा है। देखो हेलमेट पॉइंट पे, इधर आओ। मजाक कर रहा हूँ, ये हमारे गिरिराज भाई है, लक्षण भैया के रिलेटिव है, तो इनका केक काटा जा रहा है, आज इनका बर्थडे है। और AGV का इन्होंने लिया है हेलमेट, महंगी बातचीत है। डिस्काउंट भी देते हो कि नहीं देते आजकल? लॉकडाउन के बाद सारे डिस्काउंट बंद। रोहिला भैया बैठे, इनके पास है BMW 310R जो कि इन्होंने शायद 6-7 महीने पहले ली थी। नहीं नहीं, करीबन 3 महीने पहले। ये लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि BMW चलने में कैसी है और इसकी सर्विस कॉस्ट क्या है, सब चीजें बता दो। गाड़ी चलने में बहुत अच्छी है बाइक अपनी, बहुत अच्छी है, मतलब परफेक्ट पिकअप वगैरह सब चीज़ अच्छा है, बस सर्विस कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है। मैं चाहूंगा कि जैसे अभी BMW ने जैसे बाइक सस्ती कर दी है, तो यार थोड़ी सी मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ी सर्विस कॉस्ट पे भी थोड़ा सा कम कर दोगे तो सही हो जाएगा काम। नई वाली बाइक वैसे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, जो कलर स्कीम दी है ना ब्लू और वो वाली ग्रे, बहुत अच्छी। लाइट्स अच्छी है, इंडिकेटर्स अच्छे हैं। कई लोगों ऐसी बात नहीं है, बाइक हिमालयन भी अच्छी है, बाइक 310 GS भी अच्छी है, बाइक एडवेंचर 390 भी अच्छी है, डिपेंड करता है कि आपकी राइडिंग स्टाइल कैसी है। राइडिंग स्टाइल बहुत मैटर करती है आप जब बाइक लेते हो। तो अभी क्या करते हैं अपन इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं रोहिला भैया के साथ। अगर आप लोगों को BMW की बाइक चाहिए ना तो आप जा सकते हो प्रताप मोटर आर्ट पे। तो अभी चलते हैं घर पे, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो रोहिला भैया ने भी बोल दिया यार, घंटी दबा देनी है और ऑल पे। तो अभी चलते हैं घर पे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बाय, राइड सेफ।